अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शॉपिंग व्लॉग। कैसे हैं सब आप? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ड्रेस दिखाने वाली हूँ जो पर्पल कलर का ड्रेस है, जो मैंने गिफ्ट के लिए ये परचेज़ किया है। और ये आप देख रहे होंगे, इस पे पर्पल कलर की ड्रेस पे जो है ग्रीन, जो पैरोट ग्रीन कलर होता है, उससे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। साथ में उसके साथ पिंक कलर के साथ भी उसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये उसका कम्प्लीट दामन भी आपको नज़र आ रहा होगा, उसमें भी ग्रीन और पिंक का कंट्रास्ट है। और जो इसके ट्राउज़र का कपड़ा है वो प्लेन जो है मैं पर्पल कलर का शेड है। और ये भी मतलब इसमें कोई, इसके जो ट्राउज़र है उस पर कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं हुई हुई, सिर्फ सिंपल सा है। क्योंकि शर्ट के और गले पे जो है इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो इसलिए इसके ट्राउज़र पे नीट नहीं है। ये दुपट्टा है, दुपट्टे की भी साइड पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, जो बहुत डिसेंट लुक दे रही है। आई होप ये ड्रेस पसंद आया होगा। आप देखते हैं दूसरा ड्रेस वो कौन सा है। ये जो है फ्लैग कलर के ग्रीन कलर का ड्रेस है। आप चाहें तो इसे फ्रॉक की तरह भी वेयर कर सकते हैं, और ये इतना लॉन्ग है कि इसे मैक्सी स्टाइल में भी जो है ना वेयर किया जा सकता है। आप इसमें देखें सर्कल की तरह जो है गोल्डन कलर का, इस पर सर्कल्स की तरह एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और उसमें पल्स वर्क भी हुआ हुआ है। और इसके जो गले का डिज़ाइन है वो राउंड साइड है। मैं थोड़ा सा इसको और कैमरे को दूर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर व्यू नज़र आ सके। तो बेसिकली ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड जो है ना ये पूरी फ्रॉक है। अब आपको दुपट्टा दिखा, जितनी एम्ब्रॉयडरी इसके शर्ट पे हुई थी इतना ही डिसेंट जो है ना इसका दुपट्टा है। सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे फ्लावर्स की तरह सर्कल्स में वर्क दिया हुआ है। फ्रॉक को देखें तो फुल एम्ब्रॉयडरी की वजह से उसका जो ग्रीन कलर है वो छुप चुका है, लेकिन आई होप जो फुल एम्ब्रॉयडर्ड पसंद करते हैं उन्हें ये ड्रेस बहुत पसंद आएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ थर्ड ड्रेस। आप ड्रेस देख रहे हैं बिल्कुल पिस्ता कलर का, और इस पर ब्राउन कलर का उससे धागे से वर्क हुआ हुआ है। और अगर आपको मैं दिखा सकूँ, इसका जो दामन है वो प्लेन नहीं है, बल्कि साइड से जो ना राउंड से सर्कल से बने हुए हैं, और कंगूरी टाइप आप इसे कह सकते हैं। और इस पर बड़ा ही अच्छा ब्राउन कलर में वर्क हुआ हुआ है। ये जो इसका कलर है वो ज़्यादातर लोग इस समर में ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, ये बहुत ठंडा कलर कहलाता है ये, और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, डिसेंट कलर लगता है। गले पे जो है सिंपल सा इसका गला है, तीन जो है इस पे बटन लगे हुए हैं, और दामन पे भी लाइट सा इस पे काम हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई हुई है। अब देखते हैं इसका ट्राउज़र। ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे भी वैसे ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है जिस तरह हमने इस एम्ब्रॉयडरी को ड्रेस के गले की डिज़ाइनिंग में देखा। जिस तरह भी ये दिख रहे हैं आप, वैसे ही मैंने इसके साथ इसका दुपट्टा रखा है। दुपट्टे के भी कॉर्नर्स पे इसी तरह जैसे इसके दामन पे राउंड्स बने हुए थे, वैसे इसके दुपट्टे के कॉर्नर्स पे बने हुए हैं। के जो रंग्स हैं वो ज़्यादातर समर्स में पहने जाते हैं, और समर में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। और इतना डिसेंट सा उस पर वर्क हो लाइटली, और उसका ट्राउज़र भी वैसे ही उसी तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई हो, तो बहुत ही दिल को भाता है। आई होप ये ड्रेस आपको बहुत पसंद आया होगा। आप देखते हैं हम दूसरा ड्रेस। ये जो ड्रेस हम देख रहे हैं ये स्किन कलर की बेस पे इस पर वर्क हुआ हुआ है, ग्रीन रेड के साथ कॉम्बिनेशन के साथ। इसका दामन भी बना हुआ है, और इसके दामन पर जो टेक्सचर आ रहा है वो बिल्कुल कैरी शेप में आ रहा है। और अगर हम देखें तो इसका गला बिल्कुल राउंड सा है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र बिल्कुल जो उसमें एम्ब्रॉयडरी में ग्रीन कलर लाइट सा यूज़ हुआ हुआ था, इसमें उन्होंने पूरा ट्राउज़र ही ग्रीन दे दिया, और उसके साथ बिल्कुल वैसी ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है जैसे इसके जो है शर्ट पे थी। और ये है, ये रहा इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा जो है वो पूरा फुल रेड है। और अच्छा, ये जो रेड कलर का कॉम्बिनेशन है, रेड ग्रीन और स्किन कलर का कॉम्बिनेशन, आँखों को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये ड्रेस मैंने किसी को गिफ्ट देने के लिए परचेज़ किया है, तो आज मैं इस ड्रेस को दिखाने के बाद जो है ना मैं इसकी पैकिंग भी करूँगी, आप इसकी पैकिंग भी देख पाएंगे। और ये ट्राउज़र का जो डिज़ाइन था मुझे बहुत अच्छा लगा था, आई होप आपको भी पसंद आ रहा होगा। और इसके जो दुपट्टे का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा जो शोक ब्राइट कलर होता है वो उसके साथ है, तो ये ड्रेस बहुत ही अच्छा लग रहा है कंट्रास्ट के साथ। जब स्टिच करके इसको वेयर किया जाएगा तो यकीनन आप सबको भी पसंद आएगा।
और जो इसको वेयर करेगा आई होप उन्हें भी पसंद आएगा। अगर आप मैं करीब से इसके गले को दिखाऊं तो देखें इसके गले पे हार्ट शेप में जो है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई रेड से, और जो इसके कॉर्नर्स हैं गले के जो नेक साइड से जो डाउन साइड जा रहे हैं वो ग्रीन कलर से उसके बूटे बने हुए हैं, और डिज़ाइन बहुत ही डिसेंट और अच्छा सा लग रहा है, और सिलने के बाद यकीनन और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये इस ड्रेस का कॉम्बिनेशन जो लोग बिल्कुल मैचिंग करके नहीं पहनना चाहते, कंट्रास्ट में पहनना चाहते हैं, तो वो इस ड्रेस को इजीली वेयर कर सकते हैं। अब मैं इसकी आपको पैकिंग दिखाती हूँ। ये देखें, इस पैकिंग में मैंने जो है ना जो इसका जो फ्रंट साइड है उसको ऊपर की साइड पे मैंने रखा है, और उसी के ही बराबर में जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने इसका ट्राउज़र रखा है, और ट्राउज़र में जो इसके डाउन साइड पे जो डिज़ाइनिंग आ रही है वो मैंने जो है उसको फ्रंट पे रखा है, और इसी ट्राउज़र को भी मैंने इसी सेटिंग से रखा है, और ट्राउज़र ताकि ये जो डिज़ाइन है वो सामने से ही नज़र आए और बड़ा ख़ूबसूरत सा लगे, और इस डिज़ाइनिंग को मज़ीद वो दिखाने के लिए जो है मैं इसके बराबर में मैंने ये रेड कलर का दुपट्टा रखा है, और इस दुपट्टे को भी आप जब देखेंगे तो इसकी भी मैंने ये वाले बंच को इस तरह सामने 2-3 बंचेस को जो है मैंने सामने रखा है, और ये इसका कंप्लीट जो है इसको मैंने जस्ट अभी रखा है। अब मैं इसको जो है ना प्लास्टिक रैपिंग करूँगी और फिर मैं इसको बताऊँगी इसको मैंने किस तरीके से अरेंज किया है। अगर मेरा ये ड्रेस आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा, इसका कंट्रास्ट, इसका कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ आपको कैसा लगा। और ये ड्रेस अब मैं इसको पैक करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप कभी किसी को गिफ्ट देने के लिए ड्रेस को हम पैक करते हैं तो हमें सम टाइम जो है प्रॉब्लम का सामना होता है, तो इसलिए मैंने कहा चलें जब मैं पैक कर ही रही हूँ तो आपको दिखा भी दूँ। ये देखें, ये मैंने पैक किया है, इसको ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में मैंने रैप किया है, फ्रंट साइड पे मैंने इसका जो आपको दिखाया था गले का साइड वो रखा है, और अब मैं इसको टर्न करती हूँ तो बैक साइड पे मैंने इसका हाफ पोर्शन में जो है वो ट्राउज़र का रखा है, और हाफ पोर्शन में मैंने दुपट्टे को सेट किया है। इस तरीके से जो भी दिखेगा उसको दोनों पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे, ये ट्राउज़र का ग्रीन और रेड दुपट्टे का, और जब मैं इसको टर्न करूँगी तो जो फ्रंट साइड पे है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे शर्ट का कलर है और शर्ट पे जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है यानी गला वगैरह जो बना हुआ है फ्रंट साइड पे वो आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह पैकिंग करके। आई होप ये ड्रेस और ये पैकिंग आपको पसंद आई होगी। अब हम देखते हैं दूसरा ड्रेस। ये ड्रेस जो है थोड़ा सा ब्राइट कलर है और इस पर भी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इस पर जो एम्ब्रॉयडरी हुई है वो पूरी फुल कंप्लीट ड्रेस पे नहीं हुई हुई है, जस्ट गले के साइड पे, और अभी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इसके दामन के साइड पे इस तरह यानी गला और इस पर दामन बना हुआ है, और दामन पे भी मतलब बारीक ही काम है, और ये मैं पूरा आपको ड्रेस दिखाती हूँ। तो ये वाला ड्रेस जो है हम आराम से पहन सकते हैं किसी भी बर्थडे पार्टी पे या किसी की इंगेजमेंट पे भी हम ये ड्रेस पहन सकते हैं, और ये इसका ट्राउज़र है, इसके ट्राउज़र पे भी इसी तरीके से जैसे गले पे एम्ब्रॉयडरी थी वैसी है, और लाइट सा इसका दुपट्टा है, दुपट्टे पे भी जो है वो गोल्डन कलर की साइड नाजुक सी जो है ना उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और बेसिकली ये कलर जो है, और वैसे भी आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, मौसम ठंडा है, तो उसमें ये अगर आप थोड़ा सा शार्प कलर भी पहने तो भी जो है ना वो अच्छे लग रहे होते हैं। जितने भी ड्रेसेस मैंने अभी आपको दिखाए हैं आई होप ये वाले सारे ड्रेसेस आपको पसंद आए होंगे। अगर मेरे ये सारे ड्रेसेस पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।